बन भी जाएगा मस्त। बन भी जाएगा। ये वाला भी छोटा है ना, वो वाला थोड़ा छोटा हो जा रहा है, छोटा है वाला, छोटा ऐसा लग रहा है। पैंट हो जाएगा, लेकिन पैंट ये हो जाएगा, ये इलास्टिक वाला पैंट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह सुबह मम्मी देख रहे, सुबह के 7 बज रहा है, मम्मी सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हैं। 8 नहीं बज रहा, नहीं कितना बज रहा, 7 बज रहा है अभी। बाबू को भी 8 बज गया, 7 बज रहा है मम्मी, 8 नहीं बज रहा। और इधर सुबह सुबह मम्मी नाश्ता बना रही है, देख रहे। ये आंवला आया है, आंवला का आज भुजिया बनेगा, घर में पहली बार आंवला का भुजिया बनने वाला है ना। बाकी आप देख सकते हैं, ये पापा के, पापा ऑफिस जाएंगे ना, तो उनके लिए ये मम्मी नाश्ता बना रही है अभी, टिफिन लेके जाते हैं ना इसलिए। कितना बजे उठी थी तुम? 6 बजे। ये रोटी बनेगा थोड़ा सा ना, बढ़िया है भाई। क्या बारिश हो रहा, लेकिन वाह क्या बारिश हो रहा, सच बता रहे। अब किसान लोग का ना गांव में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे पानी इतना सारा जम गया है, सच में अब दिक्कत नहीं होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, रात से बारिश हो रहा है। सुबह में करीब वही 7:30 बजे तक बारिश रुका था, तो मैं जिम के लिए निकला, हर जगह बारिश हो गई। फिर रिटर्न घर आ गया, आराम से बैंडेज वगैरह मार के मस्त घर में सो गया, और अभी सो के उठा 10 बज गया। अभी देख रहे गजब का करके रखा हुआ, मज़ा आ गया। लेकिन वाह क्या बारिश हो रहा, लेकिन मज़ा आ गया। और 10 बज गया, अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल नाश्ता करने के लिए। मम्मी नाश्ता निकाल दे रही है अभी ना, क्या क्या आज बना है पता नहीं, क्या बना है मम्मी आज? भिंडी का तो भुजिया मैं देखा था सुबह में, बना रही थी जब, और उसके अलावा भिंडी बढ़िया है। इधर मौसम करके रखा यार, मज़ा आ जा रहा। लेकिन किसान लोग का ना तकलीफ अब ख़त्म हो जाएगा। मेरा घर में पहली बार आंवला का भुजिया बना है, क्या बोल देंगे? ठीक है, मैं पता नहीं, मेरा याद नहीं आ रहा है कि किसका मुंह से मैं सुना था कि घर में आंवला का भुजिया बना है, तो मैं लेकर आ गया, क्योंकि मैं कभी खाया नहीं था। तो आज मम्मी भी बना दी है, चटनी के जैसा बन गया, देख रहे। चावल बहुत खट्टा है, चावल के साथ अच्छा लगेगा। चावल दे दो रोटी, हाँ दे दो, दो रोटी तो चावल रगड़ दूँ, दही भी बनाई है, वाह। बढ़िया है, खट्टा खट्टा खाने में तो अच्छा लग रहा है, पता है ये मीठा। मेरा छत में स्विमिंग पूल बन गया है, इतना मतलब बारिश हो रहा है कि क्या बता, देख रहे हैं स्विमिंग पूल बन चुका है इधर। मैं जाऊं क्या बाहर, पूरा बारिश हो रहा है, लेकिन इधर कम हो रहा है, वही फंस गया इधर। इधर फंस जाएगा तो फिर पूरा पानी भर जाएगा इधर, वहाँ पे कुछ फंस गया, जहाँ से पानी लीक होता है ना, वहाँ पे कुछ फंस गया है, उसको ठीक कराना पड़ेगा। बाकी ये जो छत देख रहे हैं, इसका कल ढलाई है, बाकी इस तरह बारिश होगा तो कल तो हो नहीं पाएगा आई थिंक, क्योंकि सारा जुगाड़ हो चुका है। बाकी पूरा बारिश हो रहा है इधर, देख रहे हैं पानी, पैर अंदर तक डूब जा रहा है, इतना बारिश हो रहा है कि। चलो भाई अंदर ही रहो, अभी घर में ही रहते हैं अभी। बहुत ज़्यादा देर बर्दाश्त किए कि बारिश छूटेगा तो बाहर निकलेंगे, थोड़ा काम है बाहर का, लेकिन बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब नाम नहीं ले रहा तो फिर हमी को भींगना पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बारिश ही थोड़ा थोड़ा रुक गया है, थोड़ा सा स्लो हुआ है ना, तो भींगने के लिए अपना छत पे आ गया बारिश लेकिन रुक गया, अभी यहाँ समुद्र बन गया था एक तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, रुक गया बारिश। भींगना फ़ायदा रहेगा कि नहीं पता नहीं, ज़ोर से बारिश हो जाओ चलो 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 देखेंगे इधर क्या हो रहा ये देखो चारों साइड में हरा भरा है मस्त, क्या लगता है बारिश होगा? बिल्कुल होगा। छत पे बारिश में भीगने गए, बट उस तरह बारिश ही नहीं हुआ, जब मैं नहीं भीग रहा था उस समय पूरा तेज़ बारिश हो रहा था, लग रहा था कि स्विमिंग पूल बन जाएगा मेरा छत पे, बट उस तरह बारिश नहीं हुआ तो मैं भीगा नहीं, सोचा क्यों भीगना, मतलब पता है खराब करना।
अभी मम्मी बना के दी है, देख रहे, भूख लग गया था, चना और मूंग फुलाया हुआ था तो उसको मम्मी भूज दी थोड़ा। बढ़िया, बारिश तो बहुत तेज हो रहा है, आज घर से निकल भी नहीं पाए, लेकिन मुझे बोलबम जाना है तो बोलबम का तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी वैसा कुछ हुआ नहीं था, सोचे थे आज मार्केट जाएंगे बट कपड़ा खरीदेंगे, जो बोलबम का जो ड्रेस होता है वो खरीदेंगे, बट वो खरीद नहीं पाए, बारिश की वजह से जा नहीं पाया। लेकिन पिछले साल गया था ना तो मेरा काम चल जाएगा। हाँ, जो मेरा ड्रेस था वो रखा हुआ था और एक नया ड्रेस भी रखा हुआ था, क्योंकि मेरा भाई भी गया हुआ था तो वो सुल्तानगंज पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट मतलब नया कपड़ा लेके गया था और वहां से डायरेक्ट वो डाकबम चला गया, तो वहां पे उसका पर्सनली वो नया ड्रेस मिला, वाइट जो होता है डाकबम का, तो फिर बोलबम का जो ड्रेस था उसका वैसे ही रह गया, तो ला करके वो रख दिया था यहीं। तो आज मैं ढूंढ ढाल के कैसे मैं निकाला हूँ, देखो इसमें मम्मी अभी तक देखी हुई नहीं है। देखो ये क्या होता है, ये है तुम्हारा जो जल लेते हैं ना सुल्तानगंज में, आधे जो कमर में लगता है वो वाला है, पिछले बार ला के मम्मी को दे दिए थे, धो के वो अच्छे से रख दिए। बाकी सारा ड्रेस मैं भी नहीं देखा हूँ कि क्या क्या है, बस आइडिया है मेरे को। एक यहाँ पे भिसिल, ये भिसिल जब रास्ते में किसी को साइड करना होता है ना तो ये वो ज़्यादा साइड हो जाएंगे। एक्चुअली में ये ज़्यादातर डाक बम वाले लोग यूज़ करते हैं, बाकी इस पर मैं भी यूज़ करूँगा। और ये बैग भी मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक है, लगभग लग रहा है, लेकिन चेन इसका टूट गया है तो सोच रहे हैं दूसरा बैग ले लें, क्योंकि बारिश का टाइम रहता है ना, इसमें चार्जर पावर बैंक वगैरह रहता है तो फिर भीग जाएगा, वो सही नहीं रहेगा, तो एक बार ये वाला भी तो ले लेंगे, बाकी देखते हैं क्या क्या लेना होगा। देखो दो, ये टी शर्ट तो ठीक है, ये टी शर्ट ठीक है, बन भी जाएगा, मस्त बन भी जाएगा। पैंट हो जाएगा, लेकिन पैंट ये हो जाएगा, ये इलास्टिक वाला पैंट है, ये सूती, हाँ वो कॉटन है, सूती कपड़ा है, गमछा भी तो है ही मम्मी, बहुत सुंदर है ना, हो जाएगा वो, अच्छा है, हाँ वो हो जाएगा, ये वाला मतलब मैं पिछले बार ये यही वाला मैं यूज किया था। अच्छा, और ये गमछा भी है तो अच्छा। गमछा भी शायद नहीं है, लेना होगा है ना, पगड़ी बनने वाला, धोई बाकी तो ठीक ही होगी, देखते हैं नहीं वो, देखो टी शर्ट ले लेंगे नहीं तो इसी से काम चला लेंगे, नहीं टी शर्ट वो सब ठीक है, पिछले बार मैं ये वाला यूज किया था इसलिए थोड़ा सा लग रहा छोटा हो गया, बट ये वाला भाई यूज नहीं किया है और ये पैंट भी भाई यूज नहीं किया है, ये वाला दोनों मतलब ये नया है, बस पुराना है तो मेरा एक ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला। बट एक्चुअली में होता क्या है ना कि दो ड्रेस चाहिए ही, कि क्योंकि हर दिन आप भींगेंगे तो हर दिन वही कपड़ा में रात में नहीं रुक जाएंगे भींगे हुए, तो चेंज तो करना पड़ेगा, तो इसलिए एक जब दिन भर चलते हैं तो दिन भर के बाद जब चेंज करते हैं ना तो दूसरा वाला ये पसार के मतलब सुखा देते हैं, जो होटल में रुकते हैं जहाँ पे रुकने का धर्मशाला वगैरह जुगाड़ देते हैं। बाकी बोलबम में जाऊंगा तो हर दिन का वीडियो में लाऊंगा, आप लोग को भी तकलीफ नहीं होगा कभी जाएंगे तो, और घर में बैठे बैठे पैदल यात्रा आप देखेंगे कैसे हम लोग जाते हैं, बहुत अच्छा, मेरा दूसरा बार है ये, पहला हो चुका है, मेरा मम्मी अपने टाइम में ना इतना बार गई है कि गिनती नहीं है, समझ लीजिए बहुत बार गई है, मैं तो इतना छोटा छोटा था उस टाइम से मम्मी जाती थी और काफी साल गई है ना, पूरा बाकी ड्रेस तो है मम्मी, एक बैग ले लेंगे, नहीं वो तो हो जाएगा, एक बैग ले लेंगे, और ये वाला अभी ठीक है बट अगर ये खराब होगा, चेन खराब हो जाएगा, नहीं ठीक है, चेन ठीक है तो देख लेंगे वहाँ पे, अगर ये ठीक होगा तो फिर नहीं लेंगे, अगर ठीक नहीं होगा तो ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल लेके जाएंगे ना, तो वही चीज है,
बाकी ये ठीक है, ये पीठ में मैंने बांधना होता है, इस तरह का बांधना होता है, इस तरह ये दोनों इस तरह घुसा करके ऐसे नहीं डालेंगे, ये दोनों हाथ में जाता है और ये वाला सामने से इसे पकड़ के रखते हैं, ये वाला बाकी ठीक है, खराब तो नहीं है, है ना मम्मी? नहीं है, ठीक है तुम? हाँ बहुत अच्छा है, इसमें डाल दें बाकी सब ये तो नया प्लास्टिक, प्लास्टिक भी ले लेंगे कि भीग जाता है ना, तो सूखा हुआ रहेगा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर मान लीजिए फोन भी रखेंगे तो फोन भी भीग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सभी को लेके जाते हैं। और पिछले बार मैं मतलब लेके जा रहा था तो मम्मी और पापा बोले थे प्लास्टिक रख लो, वो प्लास्टिक बहुत काम आएगा बारिश में, जब बारिश होता है तो चलने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर पूरा सूखा सूखा अगर धूप निकल जाता है ना तो फिर हालत खराब हो जाता है, और बारिश में चलने के मन करता है। हाँ चलते तो भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे कि जब मैं बोलबम जाऊंगा तो रास्ते में पूरा बारिश करवा दे, इस तरह टांग बस यही है, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं मम्मी के साथ आज तक मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा था ना, इसलिए मम्मी के साथ मैं कभी नहीं जा पाया, नहीं नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। बट देखता हूँ मम्मी के साथ मैं नहीं लेके गए, आप जाने लिए हो गए, आप जाएंगे लेकर, हाँ आप जाएंगे लेकर, हाँ हमको ले चलेगा। बट ये मुझे बोलबम निकलना है ना, मुझे और मम्मी को थोड़ा गाँव में जाना था, वो जो खेती होता ना धान लगाने वाला, तो हम लोगों का भी धान लगता है, चाचा लोग करते हैं, तो सोचे थे जाके थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, बट पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे बोलबम जाना है, तो फिर पता नहीं उधर से आने के बाद एक बार जाएंगे लेकिन जरूर, अभी इधर देख लेते हैं पहले क्या है, तो हो जाएगा तो क्या हो, और किसी का जो बच्चा होगा उनको जाके हेल्प करेंगे क्या, है ना? बढ़िया है, करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो भी आपको कभी ना कभी हेल्प जरूर करेंगे, है ना मम्मी? उधर मेरा बोलबम का तैयारी और इधर मम्मी का खाना का तैयारी, दोनों एक साथ हो रहा है, भूल दे, अरे निकल गया ये वाला, निकल गया ये, कैसे लग गया ये ऐसे, क्या कैसी का भुजिया बना रही हो ना? तुमको कुंदरी पसंद है, इसे ले ला दिए, देखो कुंदरी, और बच्चे है क्या कुंदरी, सारे खत्म, सुनी बढ़िया अच्छा लग रहा है, खाने में मशरूम भी है, मिलेगा तो मशरूम बाजार जाएंगे देखते, मिलेगा तो ला देंगे पूरा ही घर बना में, लेकिन मशरूम मम्मी ऐसे अच्छा लगेगा, नहीं नहीं खाना भी नहीं चाहिए, मशरूम नहीं खाना चाहिए, और कितना दिन मम्मी, आज कितना तारीख है, दो तारीख है ना, आज 17 दिन के बाद खाना मशरूम, सावन खत्म हो जाएगा उसके बाद खाते रहना, हाँ तो 17 दिन के बाद 19 तारीख तो हो ही जाएगा, 20 तारीख तक खाना, हाँ ठीक है, पूजा भी हो जाएगा एक दिन, बढ़िया। दोस्तों बारिश तो कंटिन्यू हो ही रहा है, मतलब बारिश तो रुकने का नाम नहीं लिया है, कल रात से ही हो रहा है, आज रात मतलब 24 घंटा से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बाकी कल देखो क्या होता है पता नहीं, मुझे बाजार भी जाना था बोलबम का ड्रेस खरीदने के लिए, बट बोलते हैं ना जो होता है अच्छा के लिए होता है, अगर मैं बाजार चला जाता तो मैं कपड़ा खरीद लेता, पुराना वाला कपड़ा मैं ढूंढता नहीं, और पुराना कपड़ा मैं ढूंढा तो बहुत सारा मुझे मिल गया, तो अच्छा हुआ जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे एंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।